गाइस एक सीरीज है इंटू दी बैडलैंड्स नाम से, पता नहीं आपने देखी है या नहीं। अगर अभी तक नहीं देखी है तो भाई जरूर जाकर चेकआउट करना, काफ़ी अच्छी सीरीज है। तो भाई एक बंदे का कमेंट आया था कि इंटू दी बैडलैंड्स की तरह ही कुछ सीरीज़ भाई रिकमेंड कर दो, उस पर एक वीडियो बना दो। तो भाई उसकी तरह सीरीज़ ढूंढना तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन उसमें जिस तरीके का एपिक मार्शल आर्ट एक्शन दिखाया गया है, साथ ही साथ अच्छी स्टोरी, तो वैसे ही कुछ 7 सीरीज़ मैं आपको आज रिकमेंड करने वाला हूँ, जो कि अगर आप जाकर चेकआउट करते हैं तो आई होप आपको इन्जॉयबल लगेंगी और आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 7 पर वेब सीरीज़ आती है वॉरियर, जिसका पहला सीज़न 2019 में आया था और 2023 तक इसके टोटल 3 सीज़न आ चुके हैं। भाई अगर आपको कुंग-फू मार्शल आर्ट वगैरह देखना पसंद है, मतलब ब्रूस ली टाइप मूवी सीरीज़ अगर आप देख चुके हो, तो भाई ये डेफिनेटली मस्ट वॉच है आपके लिए। इसमें आपको बहुत ही कमाल का एपिक एक्शन देखने को मिलेगा, साथ मार्शल आर्ट और कुंग-फू बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं इसकी IMDb रेटिंग से, इसकी IMDb रेटिंग 8.4 की है। अगर इसकी कहानी की बात करें तो इसमें एक बंदा दिखाया जाता है जो कि चाइना टाउन से सैन फ्रांसिस्को आता है और वहाँ का एक पावरफुल वॉरियर बनना चाहता है, यानी कि अपनी अलग जगह, एक अलग पहचान बनाना चाहता है सैन फ्रांसिस्को में। तो क्या वो अपने इस काम में सक्सेसफुल हो पाता है या नहीं, उसकी कैसी जर्नी रहती है, यही सब हमें इस सीरीज़ में देखने को मिलता है। और जैसा कि मैंने बताया, मार्शल आर्ट कुंग-फू बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। तो अगर आप इस सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली मस्ट वॉच है। नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है इसके सारे सीजन हिंदी लैंग्वेज में, वहाँ पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। नंबर 6 पर सीरीज़ आती है मार्को पोलो, जो कि एक हिस्ट्री ड्रामा एक्शन एडवेंचर सीरीज़ है, और जिन लोगों को ना भाई हिस्टोरिकल ड्रामा देखना पसंद है उनके लिए मस्ट वॉच है, कुछ जगह जरूर चेकआउट करनी चाहिए। लोगों को भाई मार्को पोलो के बारे में नहीं पता है, तो ये एक फेमस एक्सप्लोरर थे 13th century में मंगोलिया कुबलई खान कोर्ट के, ये एक फेमस एडवेंचरस एक्सप्लोरर माने जाते हैं, काफ़ी सारे लोगों को हो सकता है इनके बारे में पता हो। तो इनकी वो एडवेंचरस सफ़र, इनकी वो जर्नी कैसी रही, ये इतने कमाल के एक्सप्लोरर बने, यही सब कहानी हमें इस सीरीज़ में देखने को मिलती है। इसके अभी तक 2 सीज़न आए हैं 2014 से लेके 2016 के बीच में, और अगर आप इसको चेकआउट करना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं, हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसकी IMDb रेटिंग 8.0 की है। वही नंबर 5 पर सीरीज़ आती है 2024 की हाउस ऑफ निंजास, जो कि एक एक्शन ड्रामा एडवेंचर थ्रिलर वेब सीरीज़ है। अब भाई इसका एक ही सीज़न आया है, कोई बड़ी वेब सीरीज़ नहीं है, लेकिन मैंने इसको रैंडमली लगा लिया था और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। अगर इसकी कहानी की बात करें तो इसमें हमें बहुत ही पावरफुल निंजा क्लैन दिखाया जाता है, जो कि अब छुप छुप के रह रहा है, मतलब लोगों को पता नहीं चलने देते हैं। दरअसल ये गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, लेकिन काफ़ी टाइम से इन्होंने ये काम छोड़ दिया क्योंकि पास में एक ट्रेजिक एक्सीडेंट हो गया था। अब वो क्या था ये तो आप सीरीज़ में जाकर देख लें। लेकिन अब क्या हुआ है, एक विलन आ गया है जो कि लोगों में एक पॉइजनस ड्रग सप्लाई कर रहा है, जिससे लोगों की मौत हो रही है, जिसकी वजह से इन लोगों को अपने ये निंजा वाले काम में दोबारा वापस आना पड़ता है, क्योंकि इनका कुछ पर्सनल लफड़ा भी अटका हुआ है उस विलन के साथ में। तो सबके अराउंड ये कहानी घूमती है, तो क्या ये लोग अपने मिशन में सक्सेसफुल होते हैं या नहीं, ये सब जानने के लिए तो आपको सीरीज़ देखनी पड़ेगी। इस सीरीज़ में भी आपको कमाल का कुंग-फू, कमाल का एक्शन एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। दरअसल इसके कुछ बीच के एपिसोड हैं जिनमें कहानी थोड़ा बिल्डअप लेती है, तो थोड़ा पेशेंस रखना, लेकिन लास्ट के एपिसोड में आपको सब वसूल हो जाएगा। तो ये एक अच्छी वन टाइम वॉच सीरीज़ जरूर है, इसको भी जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। इसकी IMDb रेटिंग 7.1 की है, अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। वही नंबर 4 पर सीरीज़ आती है वो एसिसियन, जो कि 2019 में ही आई थी, और ये एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी वेब सीरीज़ है। अगर इसकी कहानी की बात करें तो हमें इसमें एक लेटेस्ट में बना हुआ वो एसोसिएशन दिखाया जाता है, जो कि फर्स्ट वो एसोसिएशन भी है। तो इसको ना अपनी शक्तियों का पता लगाना है, और सैन फ्रांसिस्को में काफ़ी सारे विलन्स हैं, काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं जिनको ख़त्म करके वहाँ का बैलेंस भी मेंटेन करना है। अब इन सब की वजह से इसकी पर्सनल लाइफ कैसे इफ़ेक्ट हो जाती है, ये सब जानने के लिए तो आपको सीरीज़ देखनी पड़ेगी। और जैसा कि मैंने बताया कि वो एक वो एसोसिएशन है, तो इसमें हमें थोड़ा सुपर नेचुरल फैंटेसी भी एक्सपीरियंस करने को मिलती है, साथ ही साथ इसमें आपको कमाल का मार्शल आर्ट देखने को मिलेगा। तो अगर आप ऐसी सीरीज़ देखने में इंटरेस्टेड हो, इसको जाकर जरूर चेकआउट करना। इसकी IMDb रेटिंग 6.4 की है, देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पर ही हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसी के साथ नंबर 3 पर सीरीज़ आती है दी 100, जो कि एक साइंस फिक्शन ड्रामा एक्शन एडवेंचर वेब सीरीज़ है। अगर इसकी कहानी की बात करें तो इसमें हमें दिखाया जाता है कि 97 साल पहले एक न्यूक्लियर वॉर की वजह से सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय हो चुकी है, और वहाँ पर 100 प्रिजनर्स हैं जिनको एक डेडली मिशन पर भेजा जाता है। वो मिशन क्या है, क्या ये 100 प्रिजनर्स उसको कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं, और इन सब की कहानी कैसे आगे बढ़ती है, ये सब जानने के लिए आपको सीरीज़ देखनी पड़ेगी।
सीरीज में आपको साइंस फिक्शन काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, साथ ही साथ जो उनकी एक्शन एडवेंचरर जर्नी होती है वो देखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। अगर आप इसको चेकआउट करना चाहते हो तो हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोज़ पर अवेलेबल है, लेकिन रेंट पर है भाई, तो देख लेना जैसा भी सही लगे, वरना खैर इसी के साथ आ गए हम अपनी लिस्ट में नंबर 2 की सीरीज़ की तरफ, जिसका नाम है बारबेरियंस। और इसके अभी तक 2 सीज़न आए हैं 2020 से लेकर 2022 तक, की आईएमडीबी रेटिंग 7.2 की है। ये एक एक्शन एडवेंचर ड्रामा वेब सीरीज़ है। अगर इसकी कहानी की बात करें तो इसमें हमें एक आर्मेनियस नाम का बंदा दिखाया जाता है, जो कि एक रोम का बहुत ही तगड़ा बहुत ही पावरफुल वॉरियर होता है, लेकिन रोम ने इसके साथ एक कांड कर दिया होता है, जिसकी वजह से काफ़ी गुस्से में आकर रोम को छोड़ देता है और उनके एक विलन जो कि बारबेरियंस नाम से है उनके साथ मिल जाता है, ताकि वो उनके साथ मिलकर रोम पर हमला कर दे और अपना बदला ले पाए। बारबेरियंस के साथ इसकी कहानी और रोम से क्या वो अपना बदला ले पाता है, ये सब जानने के लिए आपको सीरीज देखनी पड़ेगी। और भाई सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल है, मतलब आपको अच्छी खासी ब्रूटलिटी देखने को मिलेगी, और वॉर पे बेस्ड कहानी है तो समझ ही जाओगे एक्शन तो बहुत ही अच्छे लेवल का होगा। ज़्यादातर लोगों ने देख रखी होगी, और नहीं भी देखी है तो इसको जाकर जरूर चेकआउट करना। अगर देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पर ही हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। लास्ट में भाई नंबर 1 पर सीरीज आती है स्पार्टकस, और भाई ये बहुत ही कमाल की सीरीज़ है, मेरी पर्सनल फेवरेट है। इसके अभी तक 3 सीज़न आए हैं, और भाई इसमें जो ब्रूटैलिटी का लेवल दिखाया गया ना भाई, जिस तरीके से पूनम खान मतलब काजर मोली की तरह हाथ पैर कटते हुए दिखाए गए हैं। अगर इसकी कहानी की बात करें तो इसमें हमें एक स्पार्टकस नाम का बंदा दिखाया जाता है, जो कि एक रोम का स्लेव होता है, मतलब एक तरीके का सोल्जर होता है, लेकिन रोम वाले उसको और उसकी वाइफ को धोखा दे देते हैं और उनको बहुत बुरी तरह ट्रीट करते हैं, जिसकी वजह से ये बंदा रिविलियन बन जाता है, मतलब एक तरीके बागी बन जाता है। अब उसे रोम की सेना से बदला लेना है। उसकी ये स्लेव से लेकर रिविलियन तक की बनने की जो जर्नी है ना भाई, वही सब हमें इस सीरीज़ में एक्सपीरियंस करने को मिलती है। और भाई कमाल की सीरीज़ है, मतलब जैसा कि मैंने बताया ब्रूटैलिटी बहुत अच्छी एक्सपीरियंस करने को मिलेगी, कहानी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं आप इसकी आईएमडीबी रेटिंग्स। इसकी आईएमडीबी रेटिंग 8.5 की है, बस इसमें एक कमी है, दरअसल इसका थोड़ा बजट कम था, इस वजह से जो विजुअल्स है ना वो उतने अच्छे नहीं हैं, मतलब थोड़े थोड़े काफ़ी टाइम पे वीक लगते हैं, लेकिन ओवरऑल एक बहुत अच्छी सीरीज़ है। तो वहाँ के पास अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो किसी OTT पर अवेलेबल नहीं है, तो आप इंटरनेट की शक्ति का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। सो गाइस यही कुछ सीरीज़ थी जो मैं आज के वीडियो में रेकमेंड करना चाह रहा था, और भाई इनटू द बैडलैंड्स तो कमाल की सीरीज़ है, उसको भी जाकर चेकआउट करना। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और साथ ही साथ आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, मैं फुल ट्राई करूँगा उस पर बनाने का। तो वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ आपसे मुलाकात होगी किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। दिस इज अनुराग मिश्रा साइनिंग ऑफ। Tell me that you love me.